हमें एक नए बूस्टर पुल 2.0 के लॉन्च की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। बूस्टर पुल 2.0 से दैनिक रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए आपको एक बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस खरीदना होगा, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट और फिर प्राप्त बूस्टर स्प्लिट 2.0 की निकासी और फ्रीज करना होगा। लाइसेंस के लिए भुगतान करना प्रोडक्ट के साथ काम करने का पहला स्टेप है। यह लाइसेंस ही है जो बूस्टर 2.0 स्प्लिट्स की लिमिट या संख्या निर्धारित करता है, जिसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके खरीद सकते हैं। बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस खरीदने और एक्टिवेट करने के बाद ही आपको बूस्टर 2.0 कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच प्राप्त होगी। बूस्टर पूल 2.0 अब तक का सबसे फायदेमंद प्रोडक्ट है। सबसे पहले बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट का भुगतान अल्टिमा फ्रीज का उपयोग करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति की विशिष्टता यह है कि आप अपने स्मार्ट वॉलेट पर अल्टिमा को एक साल के लिए फ्रीज कर देते हैं और इस अवधि के बाद आपको टोकन आपके वॉलेट में वापस प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप एक साथ 3 लिक्विडिटी पूल से रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। बूस्टर, अल्टिमा और गेमिंग पूल और लेजेंडरी प्रोमो के दौरान आपको न केवल बूस्टर स्प्लिट प्राप्त होते हैं, बल्कि टेलीग्राम गेम बैटल बुल्स में अपना बैलेंस लॉड करने के लिए प्रोमो कोड भी मिलते हैं। इस गाइड में हम विस्तार से वर्णन करेंगे कि योल्टिमा फ्रीज का उपयोग करके D5U प्रोडक्ट वेबसाइट पर बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट कैसे खरीदा जाए और डैशबोर्ड से टोकन की निकासी से लेकर पहले रिवॉर्ड का अनुरोध करने तक की पूरी स्प्लिटिंग प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाएगा। स्टेप 1, बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस खरीदें। D5U वेबसाइट पर जाएं, ऊपरी दाएं कोने में लॉग इन बटन पर क्लिक करें और लॉग इन करें। पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर आपको बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस सेक्शन में खरीद के लिए उपलब्ध लाइसेंस की एक लिस्ट दिखाई देगी। कृपया ध्यान दें, यदि वर्तमान समय में कोई प्रोमो चल रहा है तो पहले टैब पर आप इसके हिस्से के रूप में पेश किए गए लाइसेंस देखेंगे। प्रोमो लाइसेंस खरीदना इस मैनुअल में वर्णित प्रक्रिया के समान है। वह लाइसेंस चुनें जो आपके लिए उपयुक्त हो और खरीदें बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपसे पेमेंट मेथड चुनने के लिए कहा जाएगा। योल्टिमा फ्रीजिंग का चयन करें, बॉक्स को चेक करके शर्तों से सहमत हों और खरीदें पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको अपने अल्टिमा वॉलेट का एड्रेस दर्ज करना होगा, जिससे एक साल में आप फ्रोजन अल्टिमा टोकन प्राप्त कर सकेंगे। कृपया ध्यान दें कि आप केवल अपने व्यक्तिगत स्मार्ट वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं जिस तक आपकी पूरी पहुंच है। यदि आप एक्सचेंज एड्रेस प्रदान करते हैं तो आप अनफ्रोजन टोकन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरे पक्ष के वॉलेट का उपयोग करना भी अस्वीकार्य होता है। कृपया ध्यान दें कि प्रोडक्ट के लिए फ्रीजिंग द्वारा भुगतान करने के बाद आपके द्वारा निर्दिष्ट वॉलेट पर उल्टीमा आयु 0 पर रीसेट हो जाएगी। एड्रेस दर्ज करने के बाद पुष्टि करें पर क्लिक करें। इसके बाद एक पेज खुलेगा जहां उल्टीमा में राशि और वॉलेट का पता जिसमें आप निर्दिष्ट राशि ट्रांसफर करना चाहते हैं दर्शाया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से लेन देन भेजने के लिए एड्रेस QR कोड के रूप में भी उपलब्ध होगा। भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट वॉलेट में आवश्यक राशि भेजें। कृपया वही राशि भेजें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और नेटवर्क कमीशन के बारे में न भूलें। यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस की खरीदारी सफल रही। अब लाइसेंस को एक्टिवेट करना होगा। ऐसा करने के लिए मेरे लाइसेंस मेनू सेक्शन पर जाएं, खरीदा गया लाइसेंस ढूंढें और एक्टिवेट करें बटन पर क्लिक करें। यदि आप अपनी एक्टिवेशन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो एक्टिवेशन हिस्ट्री टैब पर जाएं। अब विजेट पर बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस का उपयोग करना वैल्यू बदल जाएगी। टोटल और उपलब्ध लिमिट बढ़ जाएगी। लिमिट एक वैल्यू निर्दिष्ट करती है जो यह निर्धारित करती है कि आप लाइसेंस के अनुसार
कितने बूस्टर स्प्लिट 2.0 कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। स्टेप 2, बूस्टर स्प्लिट 2.0 कॉन्ट्रैक्ट खरीदना। एक बार जब आप अपना बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस खरीद और एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपका अगला कदम बूस्टर स्प्लिट 2.0 कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करना होता है। बूस्टर स्प्लिट 2.0 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए बूस्टर स्प्लिट 2. कॉन्ट्रैक्ट टैब पर जाएं। आपके द्वारा लिमिट के लिए उपयुक्त कॉन्ट्रैक्ट का चयन करने के बाद उसके आगे खरीदें बटन पर क्लिक करें। एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी जहां आपको पेमेंट मेथड अल्टीमा फ्रीजिंग का चयन करना होगा और उपयुक्त बॉक्स को चेक करके प्रदान की गई शर्तों से सहमत होना होगा, फिर जारी रखने के लिए खरीदें बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको अपने अल्टीमा वॉलेट का एड्रेस दर्ज करना होगा, जिससे एक साल में आप फ्रोजन अल्टीमा टोकन प्राप्त कर सकेंगे। कृपया ध्यान दें कि आप केवल अपने व्यक्तिगत स्मार्ट वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं जिस तक आपकी पूरी पहुंच है। यदि आप एक्सचेंज एड्रेस प्रदान करते हैं तो आप अनफ्रोजन टोकन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरे पक्ष के वॉलेट का उपयोग करना भी अस्वीकार्य होता है। कृपया ध्यान दें कि प्रोडक्ट के लिए फ्रीजिंग द्वारा भुगतान करने के बाद आपके द्वारा निर्दिष्ट वॉलेट पर अल्टीमा आयु शून्य पर रीसेट हो जाएगी। अपना वॉलेट दर्ज करें और पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक पेज खुलेगा जहां अल्टीमा में राशि और वॉलेट का एड्रेस, जिसमें आप निर्दिष्ट राशि ट्रांसफर करना चाहते हैं, दर्शाया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से लेन देन भेजने के लिए एड्रेस QR कोड के रूप में भी उपलब्ध होगा। भुगतान करने के लिए निर्दिष्ट वॉलेट में आवश्यक राशि भेजें। कृपया वही राशि भेजें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और नेटवर्क कमीशन के बारे में न भूलें। फ्रीजिंग पूरी होने के बाद एक नोटिफिकेशन का इंतजार करें जो पुष्टि करती है कि अल्टीमा आपके वॉलेट पर फ्रीज कर दिया गया है। बधाई हो, आपने बूस्टर स्प्लिट 2 कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के बाद आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पर बूस्टर स्प्लिट 2.0 लाइसेंस उपयोग विजेट में वैल्यू अपडेट कर दिए गए हैं। स्टेप 3, स्मार्ट वॉलेट पर बूस्टर स्प्लिट 2.0 टोकन की निकासी। अल्टीमा में बूस्टर पुल 2.0 से रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए आपको स्मार्ट वॉलेट में अपने वॉलेट में बूस्टर स्प्लिट 2.0 बूस्ट 2 टोकन की निकासी होगी। अपने वॉलेट को नवीनतम वर्जन के साथ अपडेट करना सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें कि इसमें लेन देन करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट है। हम स्प्लिट टोकन के साथ लेन देन करने के लिए कम से कम 10,000 स्मार्ट होने की सलाह देते हैं। एक्टिवेट करने के लिए बस 0.1 स्मार्ट को अपने वॉलेट में ट्रांसफर करें। कृपया यह भी ध्यान रखें कि टोकन की निकासी के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी। तो बूस्ट 2 टोकन की निकासी के लिए DFIU.com पर लॉगिन करें। सबसे ऊपर बाईं ओर आपको पे आउट बटन के साथ उपलब्ध बैलेंस माई स्टेटस बूस्टर स्प्लिट 2.0 दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको निकासी के लिए बैलेंस राशि का चयन करना होगा। बैलेंस राशि उपलब्ध बूस्टर स्प्लिट 2.0 को चुनें और अगला स्टेप बटन पर क्लिक करें। खुलने वाली विंडो में आपको अपने बूस्टर स्प्लिट 2.0 वॉलेट का एड्रेस वॉलेट एड्रेस कॉलम में पेस्ट करना होगा। एड्रेस को स्मार्ट वॉलेट में कॉपी किया जा सकता है। कॉपी किए गए एड्रेस को एड्रेस के बगल वाले कॉलम में पेस्ट करें। निकासी के लिए बूस्टर स्प्लिट 2.0 की राशि इंडिकेट करें और ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड दर्ज करना होगा। गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन खोलें और एप्लीकेशन में वर्तमान कोड को उपयुक्त फील्ड में दर्ज करें। यदि आप सब कुछ सही ढंग से करते हैं तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि टोकन निकासी का अनुरोध बनाया गया है। जल्द ही टोकन आपके निर्दिष्ट वॉलेट में पहुंच जाएंगे। आपको पे आउट हिस्ट्री ट्रांजेक्शन पे आउट सेक्शन में मिलेगी। बूस्टर पुल 2.0 में बूस्ट 2 टोकन की स्प्लिटिंग स्मार्ट वॉलेट पर बूस्टर स्प्लिट 2.0 टोकन को फ्रीज करने और लिक्विडिटी पुल से
फ्रोजन टोकन के लिए दैनिक रिवॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आइए स्प्लिटिंग प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखें। स्प्लिटिंग शुरू करने से पहले पहला स्टेप बूस्टर स्प्लिट टू डॉट टोकन को फ्रीज करना है। अपने वॉलेट में बूस्टर स्प्लिट 2.0 बूस्ट टू टोकन चुनें। आपकी बैलेंस राशि और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एक स्क्रीन खुलेगी। स्प्लिटिंग में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने बूस्ट टू टोकन को फ्रीज करना होगा। आइए बूस्ट टू टोकन को स्प्लिटिंग करना शुरू करें। फ्रीजिंग साइन पर क्लिक करें। खुलने वाली स्क्रीन पर आप फ्रीजिंग के लिए उपलब्ध अपना बैलेंस और अपने वॉलेट में फ्रीज किए गए टोकन की कुल संख्या देखेंगे। टोकन फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग बटन पर क्लिक करें। खुलने वाली अगली स्क्रीन पर आपसे फ्रीज किए जाने वाले टोकन की संख्या दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। वांछित राशि दर्ज करें और पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको फ्रीज की जाने वाली राशि की जांच करनी होगी और फ्रीजिंग बटन पर क्लिक करके कार्रवाई की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद आपको एक पिन कोड के साथ कार्रवाई की पुष्टि करनी होगी। यदि आप सब कुछ सही ढंग से करते हैं तो आपको एक बधाई स्क्रीन दिखाई देगी, जिसका अर्थ है कि टोकन सफलतापूर्वक फ्रीज कर दिए गए थे। अगला कदम फ्रोजन टोकन के लिए रिवॉर्ड का दावा करना है। आप फ्रीजिंग के 24 घंटे बाद अपना पहला रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। बर्स्ट 2 टोकन का चयन करें और स्प्लिटिंग बटन पर क्लिक करें। यह आपके बैलेंस के ठीक नीचे स्थित है। कृपया ध्यान दें कि स्प्लिटिंग के लिए आपके बैलेंस पर स्मार्ट कॉइन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास पर्याप्त स्मार्ट कॉइन नहीं है तो आपको अपनी बैलेंस राशि बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके बैलेंस पर पर्याप्त कॉइन है तो वर्तमान स्प्लिटिंग स्थिति के बारे में जानकारी के साथ एक विंडो खुलेगी। कृपया ध्यान दें कि पहला रिवॉर्ड फ्रीजिंग के 24 घंटे बाद प्राप्त किया जा सकता है। इस समय के बाद पूल से रिवॉर्ड का अनुरोध करने के लिए रिवॉर्ड प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण स्क्रीन दिखाई देगी। कृपया ध्यान दें कि यदि आप स्मार्ट डिफेंडर का उपयोग करते हैं तो आपको अपने रिवॉर्ड का दावा करने के लिए अपने स्मार्टफोन पर कार्ड को टैप करना होगा। ये पुष्टि करने वाले बॉक्स को चेक करें कि आप प्रोडक्ट के उपयोग की शर्तों से सहमत हैं और पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। तैयार है, आपने सफलतापूर्वक अपने रिवॉर्ड का दावा कर लिया है। आपको बस ओके बटन पर क्लिक करना है और अल्टिमा टोकन स्क्रीन खुल जाएगी। वहां आप अपना रिवॉर्ड देख सकते हैं। महत्वपूर्ण नियम: फ्रीजिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि बूस्ट टू टोकन को फ्रीज या अनफ्रीज करने की कोई भी कार्रवाई वॉलेट पर स्प्लिटिंग में रिवॉर्ड के लिए प्रतीक्षा समय को रीसेट कर देती है। रिवॉर्ड के लिए प्रतीक्षा समय 24 घंटे है। उदाहरण के लिए, यदि आपको 20 घंटे पहले रिवॉर्ड मिला था और अगला रिवॉर्ड मिलने में 4 घंटे बचे थे, तो यदि आप बूस्ट 2 को फ्रीज या अनफ्रीज करते हैं तो रिवॉर्ड की प्रतीक्षा अवधि 24 घंटे पर रीसेट हो जाएगी। इसलिए हम सलाह देते हैं कि आप पहले रिवॉर्ड का दावा करें और फिर टोकन फ्रीज कर दें। स्प्लिटिंग में भाग लेना और हर दिन अपने रिवॉर्ड का दावा करना न भूलें। यदि आपके पास अभी भी सवाल हैं तो आप उन्हें कभी भी हमारी सपोर्ट टीम को भेज सकते हैं।